बुल बुल या फिर बुल बुल, कुछ, कुछ तो गलत है तो यार कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है और देखो आज से मेरा नाम बादल नहीं बबादल क्यों ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। और देखो नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई है थोड़े दिनों पहले इस केस में भी मैं लेट हो गया लेकिन कोई बात नहीं मैंने मूवी देखी मूवी के बारे में कुछ थॉट्स थे मेरे मेरे को इसके ऊपर बोलना था अपने विचार प्रकट करने थे तो फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों क्या हो रहा है इसको स्ट्रेंजर थिंग्स चालू है क्या अगर आपको भी अपने विचार प्रकट करने हो तो फिर आप भी वीडियो बना सकते हो किसी ने रोका नहीं लेकिन अगर इतना काम नहीं करना है तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन खुला है मूवी देख लिया तो फिर वो बता देना ये इंट्रो में बोल रहा हूं मैं मतलब सच में कुछ तो गड़बड़ है तो देखो बुलबुल बुल नाम की ये मूवी नेटफ्लिक्स पे देखने से पहले अगर आपने इसका ट्रेलर देख लिया या फिर इसके थोड़े बहुत फोटोज देख लो तो फिर आपको ऐसा अंदाजा आ सकता है कि ये एक हॉरर मूवी है जिसको देखते वक्त आपको डर लगेगा डर के मारे आपकी फट जाएगी और अगर आपको ऐसा लगाना तो फिर ये सबसे बड़ी गलती होगी मूवी के लिए क्योंकि ये मूवी हॉरर है ही नहीं लाइक अगर आप ये मेरा चैनल पहले से देखते हो तो फिर आपको पता है कि मेरी भूतों से बहुत ज्यादा फटती है मैं हॉरर मूवीज हॉरर सीरीज जल्दी देखता नहीं उस हिसाब से भी अगर बुलबुल मूवी को कंपेयर करने जाए ना तो भी कुछ डर नहीं लगता लाइक like, इतना सा भी नहीं और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन तो यह है कि इस मूवी के अंदर कोई भी स्कैरी सिक्वेंसिस नहीं है और उसके ऊपर इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा प्रडिक्टेबल है की जब इस मूवी का एंड आता है और वो लोग सब कुछ रिवील करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि, बेहन, कि हमको पता ही नहीं था और अगर अब आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये मूवी बहुत बुरी है मैं इसकी सिर्फ बुराई करने वाला वीडियो के अंदर कह के लूंगा ऐसी तो फिर बात ऐसा नहीं है आप जरा क्रोनोलॉजी समझिए अब तक मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर आप इस मूवी को एक हॉरर मूवी के हिसाब से देखने जाओगे पहले से प्रिपेयर होकर तो फिर आपको डिसअपॉइंट

बहुत गुस्सा आ रहा है बहुत गुस्सा नहीं मार सकता यार एक बल वो भी चला जाए तो वीडियो नहीं बनेगा। ओ। जाने दो वैसे ही शूट करेंगे लोगों को भी तो पता चले कितना कुछ सहना पड़ता है सब्सक्राइब नहीं करते नाचो नाचो डिस्को चालू है यार नहीं आप ही बताओ कैसे शूट करूं मैं ऐसे तीसरी बार वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं लेकिन अगर आप लोगों में से हो जिसको हर एक सीन के पीछे लॉजिक चाहिए जो भी बात बोली गई है उसके पीछे आपको दिमाग लगाना ही है तो फिर आपके लिए भी ये मूवी एक हॉरिबल एक्सपीरियंस हो सकता है क्योंकि इस मूवी के अंदर ऐसे कुछ चीजें दिखाई गई है कुछ ऐसे स्टोरी पॉइंट है जिनका उतना ज्यादा सेंस नहीं बनता लेकिन फिर भी यार चलता है थोड़ा ऊपर नीचे क्योंकि मूवी है एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं इसी के साथ साथ एक ऐसा बहुत बड़ा रीजन भी है जिसके कारण ये मूवी है ना देखने लायक बनती है वो था इसके अंदर का एक्टिंग और अगर देखो मुझे सच बोलना होना तो फिर मुझे मूवी के अंदर बोर नहीं हुआ मूवी चालू होते ही गई और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो था तृप्ति डिमरी जो कि इसका टाइटल और कैरेक्टर प्ले करते हैं बुलबुल बुल। मैंने तो उनको पहली बार किसी मूवी या सीरीज में देखा और उस हिसाब से उनका फर्स्ट इंप्रेशन काफी ज्यादा अच्छा था उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस काफी कन्विंसिंग लगी वो अपने सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से इमोशन काफी अच्छे तरीके से कन्वे कर रही थी वो अच्छी तरीके से दिख के आ रहे थे और अब क्योंकि दिखने की बात निकल गई है तो आज इस वजह से शी लुक्स ब्यूटीफुल अब इसके साथ एक और बात ऐड करना चाहूंगा आप में से कुछ लोगों को शायद अच्छा लगे ना लगे लेकिन बीच में मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार ये थोड़ा बहुत श्रद्धा कपूर जैसा दिखती है ना माइनस द नेपोटिज्म पार्ट इनके अलावा जो बाकी के कास्ट थे स्पेशली राहुल बोस उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा निकल के आया है वो एक अच्छे परफॉर्मर तो है ही म्यूजिक सेट डिजाइन और सिनेमाग्राफी अच्छी थी इस मूवी की लेकिन इसके अंदर ना हमको ऐसा दिखा है की रात के टाइम पे चांद जो है वो लाल हो जाता है और जंगल में पूरा लाल ही लाल रोशनी है धुआं निकल रहा है बस इसके पीछे मूवी के अंदर हमको इनडायरेक्टली रीजन ऐसा बताया की चुड़ैल है तब तक वो चांद लाल है और रात जो है वो लाल होती है लेकिन फिर वहाँ के जो लोग है उनको मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या उनको आश्चर्य नहीं लगता की ये लाल क्यूँ है मूवी के अंदर जो या फिर लेकिन इसके जैसी चीजों को साइड में रखने के बाद मूवी के स्क्रीन प्ले में बहुत ही वेल आउट मोमेंट्स थे जैसे कि बुलबुल कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हमको जहाँ पे दिखाया गया है ना वही एक बहुत बड़ा क्लू है उनके कैरेक्टर को लेके और कुछ ऐसी बातें बोली गई है की पाए में वो क्या बोलते हैं आई डोंट नो पाए में उंगलियों में जो डालते हैं वो उससे रिलेटेड कुछ ऐसा स्टफ चालू रहता है उससे रिलेटेड वो भी आगे अच्छे तरीके से यूज किया है उन्होंने बहुत सारी चीजें डायरेक्टली डायलॉग थ्रू बोली नहीं गई आपको वो विजुअल्स देख के समझना पड़ेगा लेकिन अगर आपने कुछ ज्यादा ही ध्यान लगा दिया तो फिर इसके लॉजिक सेक्शन में घुस जाओगे शायद वहाँ पे थोड़ा बहुत डिसअपॉइटमेंट हो सकता है मूवी एंजॉयबल है आप इसको आराम से देख सकते हो फैमिली के साथ मैं शायद उतना रिकमेंड ना करूँ क्योंकि इसके अंदर एक दो मोमेंट्स है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ऑकवर्ड लगे मूवी चेकआउट करने से पहले बस दो चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने कि इसको एक हॉरर मूवी की तरह देखने नहीं जाना और इसके अंदर लॉजिक उतना ज्यादा नाट ढूंढोगे तो ही अच्छा इमोशनल एक्सपीरियंस आपको शायद एक अच्छा ठीक ठाक मिल जाए बाकी मुझे मूवी देखने में मजा आया मूवी का रन टाइम ज्यादा बड़ा नहीं था वो भी एक अच्छी बात थी अगर आपने मूवी देख ली है कैसी लगी मूवी के अंदर कौन सा पॉइंट था जो आपको यहाँ पे लॉजिकली सही नहीं लगा कौन सा पॉइंट था जो ज्यादा अच्छा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मैं वहां पे भी मूवी और सीरीज के रिकेमेंडेशन देता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं यहाँ पे तो मतलब मेन वीडियो यहीं पर डालता हूं और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो फिर ये यूट्यूब मन मर्जी पर हो जाता है कि वो आपको मेरा कौन सा वीडियो दिखाएगा नहीं दिखाएगा सब वो सोचे वो जाने हो सकता है अभी एक बहुत ही अच्छी सीरीज का मैं रिकमेंडेशन दू लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर वीडियो आप तक तो पहुंचे ना इसलिए सब्सक्राइब कर लो वीडियो पसंद आया अगर इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिला हो तो फिर इसको शेयर कर देना लाइक कर देना जय हिंद मात्रा